हाय नमस्कार। सो आज मैं अकेला हूँ इसलिए आप मेरी शक्ल नहीं देख पाएंगे। और देखिए मैं इस समय हाईवे पे हूँ और वैसे मैं वापस आ रहा था सोलन से, हिमाचल से, और मैं जो हमेशा कहता हूँ एक कट खुल चुका है सामने। और ना मैं साधोपुर वाले कैंपस में गया था, आपको पता ही है, 2 महीने पहले। और कई लोग हैं जो मेरा अपना वीडियो बना के आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन दिया था जिसलिए मैं मशहूर हूँ। और अब मैं दोबारा 2 महीने बाद जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कई लोगों ने, स्पेशली आप लोगों ने फ़ोन किया कि सर आप देख कर आइए साधोपुर में जो आपको लास्ट टाइम कमियाँ दिखी थी वो पूरी हो गई हैं। तो मैंने कहा वाई नॉट, मेरा किसी कॉलेज से स्पेशल प्यार या दुश्मनी तो है नहीं, तो जो भी अच्छा काम कर रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है बच्चों के लिए, वो मेरे लिए एक अच्छा बेहतरीन कॉलेज है। तो ये देखिए रोड होती है जो अंदर जाती है आपको, बल्कि लाइव नज़र आएगी। बहुत छोटा सा, मैं हमेशा कहता हूँ लोकेशन बहुत अच्छी है कॉलेज की, 100 मीटर के अंदर ये कैंपस है फ्रॉम मेन रोड। ये हमने लेफ्ट टर्न मारा, ये राइट में तो थोड़ा कूड़ा सा था, 100 नहीं 200-250 मीटर हो जाएगा। तो देखिए आप लोग लाइव देख रहे हैं कि कैसे कैसे टर्न लेने हैं आपको, और फिर हम साइड से घुसेंगे। कोशिश करूँगा मैं कि देखते हैं जो लास्ट टाइम हम आए थे और उसके मुकाबले क्या फ़र्क आ गया। ये मुझे थोड़ा साइड व्यू देखना शुरू हो गया है, ये मेरा गूगल मैप दूसरे फ़ोन पर चल रहा है। और चूँकि अकेला हूँ मैं तो इसलिए थोड़ा कैमरा वर्क वीक रहेगा, बट देखते हैं ना। और देखिए ये एंट्री आती है साधोपुर की, फिर मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा जो आज मैंने महसूस करी। और ये देखिए मेन गेट है, गार्ड लोग साइड पे बैठे हैं, धूप बहुत है। तो ये देखिए आज काफ़ी भीड़ बढ़ चुकी है डेफिनेटली जब मैं लास्ट टाइम आया था उसके मुकाबले, लेकिन कंस्ट्रक्शन अभी भी चली रही है, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं। ये देखिए ये जो राइट में है ना, ये है बन रहा है हॉस्पिटल, और इसके साइड पे ही है कॉलेज। तो देखिए अभी भी डंडे बलियां तो लगी हुई हैं, डेफिनेटली देखिए काम चल रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं। आज भी 3 एम्बुलेंस खड़ी हुई हैं। तो वो है, ये उसका एंट्री हो गया साधोपुर का। ये एंट्री मुझे आज भी थोड़ी वैसी ही लग रही है जैसे जैसे लास्ट टाइम थी जी। हाँ, गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है क्योंकि यहाँ पर प्रोफेसर्स वगैरह तो आते ही हैं। आज मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, मुझे बेसिकली वापस दिल्ली पहुँचना है आप लोगों का ही काम करने के लिए, तो इसलिए मैं उतरूँगा नहीं आज गाड़ी से, और मैं बिना उतरे कोशिश कर रहा हूँ। ये जो लास्ट टाइम देखा था मैंने, ये साइड गेट है कॉलेज और हॉस्पिटल का, इसी लोकेशन पे खड़ो के मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो दिया था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं काम तो अभी भी चालू है, और मैं गाड़ी का यूटर ले रहा हूँ। ओके, सो काम तो देखिए चालू है, कर बहुत स्पीड से, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन पेशेंट्स कितने आएंगे ये तो भगवान जाने। और मैंने उस टाइम भी कहा था देखिए ग्रुप ये बहुत सॉलिड है, बहुत बड़ा है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये फैकल्टीज़ की दिक्कत आएगी, क्योंकि हम मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि प्राइवेट कॉलेज 3 टाइप के हैं, तो उन 3 टाइप में ये डेफिनेटली टाइप 1 में नहीं है। और कॉलेज के मैनेजमेंट को सुन के भी बुरा नहीं लगना चाहिए कि ये कोई वो अमृता या जॉली ग्रांट या कस्तूरबा की रेंज में नहीं है, फॉर दैट मैटर इन्हीं का MMU मुलाना। लेकिन डेफिनेटली ना Tier 3 में भी नहीं है, और ये पहले साल में ही एटलीस्ट Tier 2 का कॉलेज बन जाएगा। देखिए सामने मुझे ये हॉस्टल्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं, और घर घूम रहा हूँ बस मैं अंदर, यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्कर शायद रह रहे होंगे। ये सामने जो रूम्स हैं, ये मैं जैसा मैंने कहा कि मैं बहुत लेट हो रहा हूँ मैं आज, तो आज मैं उतर नहीं पाऊँगा गाड़ी से क्योंकि दिल्ली पहुंचना है मुझे वापस। और ये है पार्किंग सी बना रखी है, फ्लैट्स हैं ये तो मुझे फैकल्टी के रेजिडेंसी लग रहे हैं, हॉस्टल्स तो नहीं इतने प्यारे होते। सामने वैसे गर्ल्स हॉस्टल नज़र आ रहा है, तो ये हॉस्टल भी हो सकता है क्योंकि मैं बंद कर देता हूँ बेसिकली, वो बार बार पीछे से आवाज़ें आ रही हैं आपको, टर्न लेफ्ट टर्न राइट, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो मुझे लगा मैं हटा देता हूँ इसको। ओके, बंद कर दिया मैंने। और जैसा मैंने कहा कि सामने मुझे गर्ल्स हॉस्टल का बिल्डिंग नज़र आ रहा है, ये टॉवर बी टॉवर ए आ गया, तो ये सब बॉयज़ हॉस्टल होने चाहिए। राइट राइट में मेरे, और सामने गर्ल्स हॉस्टल्स हैं ऐसा बोर्ड लगा हुआ है। और जैसा कि मैंने कहा सभी कुछ बन रहा है, ये शायद बन के तैयार हो चुके हैं, नए ही बने हैं,
एमएमए ग्रुप की खासियत है कि जितने भी इनके कॉलेज हैं, चाहे मौलाना है चाहे सोलन है, हमेशा ये लोग टू रूम देते हैं विद अटैच बाथरूम। यूटर ले रहा हूँ मैं, ओके। सो देखिए, डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट तो है लास्ट टाइम से, बट फिर भी मेरा वर्डिक्ट वही रहेगा कि अभी मुझे पेशेंट फ्लो का उतना जानकारी नहीं है, और वो तो अस्पताल ही नया बन रहा है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि 3 साल पुराना चलता अस्पताल है। लोकेशन अच्छी है, आप आराम से कंफर्टेबली रह तो पाएगा, आपका बच्चा या अगर आप खुद बच्चे हो तो आप रह पाओगे, लेकिन वही जो मेरी कंसर्न रहती है रिगार्डिंग पेशेंट फ्लो। हाँ, अब देखिए, इस कॉलेज में और लेट्स से सब अदर कॉलेज में क्या फ़र्क होता है, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज होती है, थोड़ा सा ये वाटर टैंक है कि ना, ये ग्रुप बड़ा है, ग्रुप अच्छा है, सो एटलीस्ट ये लोग फुल टाइम फैकल्टी रखते हैं। जी आपको पता ही है, फिर से बात रह गई थी कि प्राइवेट कॉलेज 3 या 4 टाइप के होते हैं। एक तो बेस्ट हो गए जो टॉप 50 हैं इंडिया के, कस्तूरबाज, JSS, JLN, जॉली ग्रांट, अमृता, दोनों कैंपस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर कुछ स्टेट्स प्राइवेट कॉलेजेस, SRM बरेली, DMC लुधियाना, CMC लुधियाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, जैसे कि हम जानते हैं ये बड़ा कैंपस है, तो देखिए पीछे देखिए स्कूल भी चलता है, क्योंकि यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है। देखिए अभी सारे काम अभी चल रहे हैं, देखिए पैसा है। और मैं वही कहता हूँ कि डेफिनेटली फ्यूचर बैचेस को तो आराम मिलेगा, जो एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर आएंगे तब तक आई थिंक ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका होगा। हाँ, जो फर्स्ट है इसको थोड़ी सी टेंशन तो होगी। और ये देखिए सामने आपको नज़र आता है जो पुराना, जब ये मेन यूनिवर्सिटी थी, नॉन MBBS था, क्योंकि ये जो लोकेशन है ना तो बहुत पुरानी है, यहाँ पर BTech वगैरह कोर्सेस बनाए गए थे। तो ये देखिए है, चल रहा है, मैंने आपको हॉस्पिटल दिखाया था, अब जब हॉस्पिटल बनी रहा है अभी तो आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पर पेशेंट कितने आ रहे हैं। और लास्ट टाइम आया था तो मुझे तो OPD खाली ही नज़र आई थी, अभी भी सुबह के वैसे 1 बजे का टाइम हो गया है, और उसके मुकाबले गेट से भी थोड़ा आइडिया लग जाता है कि क्या चहल पहल आर जार हो रही है कॉलेज में। देखिए कॉलेज का पहला साल होने वाला है तो बच्चे तो अभी हैं नहीं, राइट। तो मुद्दे की 2-3 बातें और देखिए, वो बात बार बार रह जाती है। सो डेफिनेटली ना, हिंदुस्तान के सबसे घटिया कॉलेज हैं, नीचे वाले कॉलेज हैं, उनके साथ तो दिक्कत ये है कि वो तो पेशेंट फ्लो भी नहीं है, बाकी सब कुछ भी नहीं है, और पढ़ाते भी नहीं है, क्योंकि उनके पास फुल टाइम फैकल्टी भी नहीं होती। वो आधी फैकल्टी तो उनकी ऐसी है जो खाली कागजों पे होती है, हम जानते ही हैं, और कुछ ऐसी हैं जो ना पर आर पे आती हैं, दैट मीन्स कि वो सीनियर डॉक्टर्स हैं जो कि एक क्लास लेक्चर लेने या कोर्स लेने आ जाते हैं, बट दे आर नॉट दैट मोटिवेटेड। उसके मुकाबले जैसे बाहर का भी एरिया आप देखते रहिए, मुकाबले आप ये देखिए कि वो कॉलेजेस जहाँ पर फैकल्टीज अंदर रहती हैं, फुल टाइम रहती हैं, दे आर फुल टाइम डेडिकेटेड टू द कॉज ऑफ द कॉलेज। वो कहते हैं कि कॉलेज के साथ उनकी शादी हो चुकी है, तभी हम वो आर्मी वालों को भी कहते हैं ना कि अग्निवीर स्कीम में यही तो दिक्कत लोग बोलते हैं ना कि वो कमिटमेंट नहीं आ पाएगी। तो एटलीस्ट इस कॉलेज का ये फायदा है कि बिकॉज दे आर एबल टू हायर फुल टाइम प्रोफेसर एंड फैकल्टी फ्रॉम डे वन, तो एटलीस्ट एकेडमिक डिलीवरी में आई पर्सनली फील कि दे विल डू ओके और इफ नॉट ग्रेट, क्योंकि इनके पास उतना पैसा तो है कि ये लोग इनका असल भी अभी प्रॉफिट में नहीं चलेगा, जो लॉजिक पहले कई बार दिया है, लेकिन फिर भी एकेडमिक डिलीवरी अच्छी करवाएंगे क्योंकि इनके बाकी 2 कैंपस सुपर हिट हैं। लेकिन हाँ, वो जो पेशेंट एक्सपीरियंस मिलेगा उसमें मेरे को फिलहाल अभी भी डाउट है, लेकिन एटलीस्ट एकेडमिक डिलीवरी इन द क्लासरूम, ओवरऑल इंफ्रा लोकेशन वगैरह ठीक है। तो इस पहले साल के बावजूद भी, जो पहले साल के मैं कुछ और कॉलेज की तारीफ करता हूँ, उनके मुकाबले ये बेटर ही ऑप्शन रहेगी। वो कॉलेज जहाँ पर कुछ भी नहीं होता और जो ना इंफ्रा है ना कुछ, और जैसा मैं कहता हूँ ना कि वो जो सिंगल ओनर ने बनाए हैं, तो बिकॉज ऑफ दी प्रॉब्लम ऑफ फंड्स वो लोग फुल टाइम फैकल्टी भी नहीं रख पाते, तो बल्कि क्लास की डिलीवरी भी क्वेश्चन मार्क हो जाती है। जैसे मैंने कहा, जो खासकर दूर से आ रहे हैं उनके लिए ना, कोई हरियाणा ओपन स्टेट है। हाँ, एक चीज़ और, क्योंकि ना मुझे एक फ़ोन आया सुबह और मैं बड़ा हैरान हो गया। देखिए इस कॉलेज का एड्रेस जो आपने पीछे भी देखा, पूरा नाम सेम ही है, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी। अब चूंकि इसी नाम से हिंदुस्तान में 1 नहीं 2 नहीं 3 मेडिकल कॉलेज है, जी हाँ 3, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो सबसे पुराना मशहूर जो आप NIRF रैंकिंग में देखते हो, अब इस 3 में एक और गड़बड़ है, 2 हरियाणा में है, और 2 हरियाणा चीज है कि दोनों का जो डिस्ट्रिक्ट है ना वो अम्बाला ही है।
देखिए अम्बाला बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर एक गांव है मुलाना MULLANA, जिसके अंदर वो फेमस डीम्ड यूनिवर्सिटी चलती है जो 20 साल पुराना कॉलेज है, जहाँ UG PG सब कुछ है, जो मेरे हिसाब से इंडिया का टॉप 10, नॉर्थ इंडिया का टॉप 10 और इंडिया का टॉप 40 में आराम से आ जाता है, वो है महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी मुलाना अम्बाला। ये जो कॉलेज अभी आपने देखा, ये है महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी साधोपुर अम्बाला। तो इस गांव का नाम साधोपुर था वो, फिर भी इसकी लोकेशन वैसे मुलाना से अच्छी है। मुलाना लेफ्ट मार के आता है, और आप कहोगे तो मैं आपको मोटा मोटी आइडिया दे दूंगा, तब तक तो खैर मैं कैमरा नहीं पकड़ूंगा। इसमें मैं चल जो पढ़ाऊँ ना, ये मैं दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ, अभी अम्बाला सिटी आने वाली है। मेरे पीछे चंडीगढ़ समझ लीजिए रह चुका है 40 किलोमीटर पहले, और अब 10 किलोमीटर के अंदर अंदर अम्बाला शहर आ जाएगा हरियाणा का। ओके, फ़िलहाल हम हरियाणा में एंट्री कर चुके हैं, साधोपुर भी हरियाणा में है, तो इसलिए ना लोगों का कन्फ्यूज़ होना बड़ा, उनको लगा कि हम तो ऑलरेडी हरियाणा में पढ़ रहे हैं। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, मैं कह नहीं आपसे गलत हुई है, ये जो कॉलेज है ये हरियाणा में नहीं है, तो ये भी हरियाणा में, लेकिन ये साधोपुर है जो खुल रहा है। फीस पूरी ले रहे हैं, और उसके हिसाब से जो पूरा पैकेज का एग्रीमेंट मिला के वो 1 करोड़ का पड़ रहा है। तो 1 करोड़ रुपीस एटलीस्ट इसको देने से पहले आप उत्तराखंड के दोनों SGR, SGT, बाकी सब ट्राई कीजिए। हाँ, कुछ नहीं मिल रहा है, हम राजस्थान में भी 1 करोड़ रुपये देने वाले हैं, और फिर भी आप सोच सकते हैं ना कि 1 करोड़ रुपये इसको दें या राजस्थान के कॉलेजों को दें, चाहे वो तांतिया हो, चाहे वो अनंता हो, चाहे वो JNU फॉर दैट मैटर, चाहे 1-10 देना पड़े वहाँ, क्योंकि एटलीस्ट उनको चलते हुए 7-8 साल तो हो गए हैं, ये तो पहला साल है। हाँ, इससे में पॉजिटिव ये है, जैसा मैंने कहा कि पहला साल होते हुए एक अच्छे ग्रुप का है, तो ठीक ठाक करेगा। मतलब आई थिंक इट्स अ टफ कॉल, जिसको भी बच्चे को मिलने वाला है उसे सोच समझ के करना चाहिए। मतलब वी हैव टू डिस्कस वेरी डीपली कि आपके पास और कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं हमेशा कहता हूँ कहाँ रहते हो, समटाइम दैट ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस। तो मेरे क्लाइंट ने जो यमुनानगर में रहते हैं, उन्होंने इसको ले लिया है, कहते हैं ठीक है सर, चलो राजस्थान का कॉलेज शायद इससे 20% बेटर होगा, बट फिर हमें लोकेशन बहुत सूट करती है, हम तो 15-20 मिनट आधे घंटे में अपने बच्चे के पास पहुंच सकते हैं। सो ऑल दिस थिंग्स मैटर, राइट। तो फिर भी ये था लेटेस्ट रिव्यू ऑफ MMU साधोपुर अम्बाला, और याद रखिए ये MMU सोलन नहीं है, और ये MMU मुलाना अम्बाला नहीं है। तो अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में 2 कॉलेज हैं, एक और डिफरेंस है, ये तीनों डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं अपनी जान में, लेकिन सोलन की काउंसलिंग हिमाचल स्टेट के थ्रू होती है, मुलाना अम्बाला की MCC के थ्रू होती है, जिसकी कट ऑफ इस समय 2330 चल रही है टिल राउंड 2, और ये साधोपुर है जिसमें हरियाणा राउंड 2 में गिर के ये 199 पे भी आ चुका है। क्लियर, हैव अ नाइस डे। और आप हमसे अभी भी संपर्क करना चाहें, हमसे अपनी काउंसलिंग करवाना चाहें, यू नो 9643362320 पे कॉल कीजिए, और पहली कॉल के भी हम चार्जेस लेते हैं, आपको कई बार मैं समझा चुका हूँ, 2500 रुपये फ़ोन का, 5000 रुपये मीटिंग का, और अभी भी बहुत काउंसलिंग बची हुई है। मैं वही कहता हूँ, अभी तो आधी से ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में मेडिकल सीट्स पे ज्वाइनिंग होनी है, या सेकेंड राउंड की बात तो हो जाएगी। मैंने जानबूझ के बोला कि भी राउंड 2 के रिजल्ट आने शुरू हुए हैं, बट आफ्टर राउंड 2 भी 25% सीटें बची होती हैं, और वो कौन सी सीट आपके लिए बेस्ट है वो हम आपको एंड टू एंड गाइड कर सकते हैं। ओके, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, बाय बाय।